कॉन्ग्रेचुलेशंस सो गाइस, आज का दिन बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हम लोग। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? करने जा रहे हैं और आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तो अभी जब फाइनल हो जाएगा, हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं। पूरा इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आज करने वाले हैं हम लोग, जिंदगी का सबसे मेगा और टा उम्र। ये जो मेरी खुशी है ना, ये तब होगी जब फाइनल बुक हो जाएगा। अभी नहीं, अरे नहीं, जा ही रहे तो मकसद। साक्षु, आपको क्या लग रहा होता है, जैसे घर में लेना कि नहीं? साक्षु, लेकिन नहीं, गाड़ी बाहर है। ये तो हमसे पूछा जा रहा है कि ग्राउंड में क्यों आ रहे हैं। व्हाट अ क्वेश्चन, वाओ। तो नहीं, मैं फ्लाइट से जाता हूँ क्या? फ्लाइट से। कैसे हैं ये दोनों यार, ये सही में? ये लोग पूछ रहे हैं कितना स्पेस है दोनों के बीच में, पता नहीं, लेकिन देखते हैं। बीच नींद से उठा दिया पतिदेव, अभी लंच में ऑफिस से जस्ट आए, लंच के थोड़ी देर बाद, मतलब एक घंटे बाद। और ये अयांशु देख जैसा सो रहा था, मैं वैसा ही उठा के लेके चली। खूब सारा रोया। क्या गाना सुन के हंसी आ गई? मेरा जानू है मैं तेरे दिल में। अच्छा, ऐसा अच्छा गाया तुमने यार, बताओ। मेरी प्रेम कहानी, जय मैया, जय माता दी, जय माता दी, तुम्हारी माता की नहीं साक्षी, बोलो मम्मा की, मेरे जय, बोलो जय मम्मा की, जय हो मैया की, बोलो मोटे। सो गाइज, फाइनली जो कहते हैं ना, किस्मत में लिखा होता है, डेस्टिनी आपको अपने आप लेके आती है। तो ये रहा हमारा फाइनली घर, यहाँ पे हमारा, हमने न्यू हाउस बुक किया है अपना। ये देखो अंदर गाड़ी चलती है। आज सप्तमी है, माता का सातवां दिन है ना, नवरात्रि का। तो और फाइनली हम काफी टाइम से, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा, काफी टाइम से घर बस सर्च कर रहे थे, आपको ब्लॉग्स में दिखा देते, आज ये वाला देखा, आज वो वाला देखा, फाइनली वो दिन आ गया। और ये जनरली ऐसा बोल रहे थे कि ले पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, सही रहे तो बोल देते, टाइम वेस्ट करते, वो हम घूम ही रहे थे। और आज मंगलवार है, हमारे हनुमान जी का भी दिन है ना, जिसकी हम भक्ति करते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा है कि ये पांड्या जी हैं, और ये मैं भावेश पांड्या हूँ, मैं शेल्टर फॉर यू कंपनी हेड करता हूँ, और बहुत अच्छे क्लाइंट हमारे हैं। और जो सर को रिक्वायरमेंट था, बालकनी वाला फ्लैट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाला फ्लैट, वो जो डिमांड थी, और गार्डन फेसिंग वाला फ्लैट की डिमांड थी, और ही वांट्स टू लिव इन कम्युनिटी, उसके लिए सर ने एक फ्लैट बुक किया है। सो कांग्रेचुलेशंस सर, आज नवरात्रि का, माता रानी का दिन है। सर तो ठीक है, मैडम मैडम को बोल रहा हूं। तो जनरली ऐसा है कि ये लक, मैं आपको बताऊं, ये स्टोरी ऐसी है कि मतलब ये जो है भक्ति, इसको मैं शक्ति बोलता हूं, शक्ति भक्ति मुक्ति सारी। तो ये दो तीन दिन से एटलीस्ट ऐसा है कि ये नहीं लिए सर, कल से तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे संडे मिले ना, हम संडे संडे ही मिले, छोटी बहन मतलब यहां है, और आज ही वो यूनिट खाली हुई थी।
कैंसिल मतलब क्या बोलते हैं ना वाला जो ब्लॉक था वो अभी तक ओपन था, जनवरी में बुक हो चुका था और लिटरली कैंसिल होके आज मतलब वो सारी चीजें और हमारे पंडित जी ने भी हमें गो अहेड बोल दिया जिसमें हम भरोसा भी करते हैं हर चीज का मतलब इतने सालों ग्रेट ग्रेट मतलब दैट इज मैंने कहा नहीं अब हमें करना चाहिए और लाइफ का पहला चेक मैं इस चीज के लिए लिख रहा हूँ और मैं इसको कुछ नहीं हूँ एटलीस्ट ऑनर तो ये मैडम ही होंगी मैडम मैं तो सिर्फ क्या हूँ गो पेयर गो ऑफ द लोग नहीं मैं तो आ रही अभी स्टार्ट किया Congratulations. Thank you. Congratulations. Congratulations, madam. Congratulations, sir. Thank you. Congratulations. Congratulations, Chotu. Thank you, Sabi. आपका एक सुंदर सा घर बनवा होटल वाला रूम हमारा ये पहला कह रहा और उसका पहला चेक हम उनको है मतलब एडवांस उस पे दे रहे हैं और अच्छा टाइम है माँ सर आपको बजाना है उसको उस दिन जो फोटो खींचेगा ना गिफ्ट के साथ तो बजेगा अभी बजा दे तुम भी बजाओ तुम भी बजाओ तुम नीचे से इशारा करो सुनो वेरी गुड आप बजा दो कांग्रेचुलेशन सर दिस इज अ गुड डिसीजन पर्सनली बता दो हां थैंक यू हां बच्चा वो नहीं निकल रहा है उसके पीछे परेशान है क्या हां उसके पीछे ये दो फंस गए सर ने किया वो भी फंस गया नहीं निकल रहा है ओके मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपना यूनिट जो हमने डिसाइड किया ये पूरा है ना आपका घर का एंट्री है वाला सॉरी तो ये एंट्री है ये सॉरी एक मिनट एंट्री सामने आएगी ना सर नहीं ओके ये बालू सो गाइज मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने ये वर्चुअल घर पे वर्चुअल टूर पे संदीप मिश्रा MISHRA सो फाइनली ये रहा हमारा घर मतलब ये घर नहीं है बट हाँ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा घर का 3 BHK घर फाइनल किया हमने क्योंकि जैसे एक तो अपना बेडरूम हो गया एक आयांश पड़ा होगा उसके लिए रूम हो जाएगा और एक घर पे कोई गेस्ट वगैरह भी आता है तो उसके लिए हो जाएगा तो इस तरीके से पहले लग रहा था नहीं ले पाएंगे बट फाइनली हमारा घर बुक हो गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको हमारा ये घर पूरा का पूरा एक मैप है ये से स्टार्ट करते हैं क्या कर ला बच्चा साक्षी क्या कर ला है चिप्स खा रहा है चिप्स वो वाला डॉग सो वाला वो सो गया बेटा वो छोटा वाला है देखो अरे भाई बड़ा वाला बड़ा वाला किधर है वो पता नहीं बच्चा कहाँ गया तो गाइस हम लोग काफी लेट हो चुके थे और हम लोग फाइनली आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा और हमारा ये घर लेने घर बुक करने के बाद ये पार्टी दे रही है एक ग्लास नहीं आप चलेगा ताकि बोलो बेटी पार्टी बोला आज पार्टी टाइम बोला गाइस दिस इज द पार्टी टाइम बोलो पहले तभी मिलेगा देखो इधर पार्टी टाइम लोग बना के बोल रहे हैं पार्टी टाइम तो अभी हम लोग मच्छर बापू के बगल में हम लोग खा रहे हैं मंचूरियन बगल में है ये बगल में ओके हां सीबीडी मॉल के बगल में अभी चलो हम लोग जल्दी से करते हैं मस्त डिनर और बात करते हैं बाद में थोड़ी देर मजा आएगा आपको तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर लेके और हमें हमेशा राजा कमेंट करता था
कि आप लोग अपना घर फाइनल कर लीजिए, अपना घर ले लीजिए, अपना घर ले लीजिए। तो राजा थैंक यू, थैंक यू। और हमारे सारे सब्सक्राइबर, हमारी यूट्यूब फैमिली, सबको थैंक यू। मतलब सब कमेंट नहीं करते हैं, बट दिल से बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए नहीं बेटा अभी थोड़ी देर उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा नेगेटिव कमेंट अपने में नहीं आते। जितने भी लोग हैं, मुझे पता कमेंट नहीं करते, बट बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छा अच्छा। तो बस उन्हीं सबकी दुआओं से, सबकी दुआओं से, फैमिली के सबके आशीर्वाद से फाइनली हमने अपना घर बुक कर दिया है। यस, 3 BHK हाउस, वो भी सुंदर सा। और उसके लिए वाला डांस है, कब वो वाला कौन सा डांस, कहाँ से बहुत क्या अच्छा हुआ आज। आप ये लंच में आए, पति जब लंच में आए, सोचो कि मतलब चल के देखते हैं, मेरा ऐसा दिमाग में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन के चली गई थी, घर वाली चप्पल पहन के। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि आज हम लोग का फाइनल होगा, मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे तो उसमें तो कंफ्यूजन ही चल रहा है, तो लेते हैं कि नहीं लेते, बट पता नहीं कहाँ से हुआ, कहाँ से दिमाग पलटा। आज जो मैं था, तो मैं ऐसा था कि आज मैं चेक लेके जाऊंगा, वेरी गुड। तो चेक मैंने भगवान जी को वो चढ़ाया, मैंने कहा भगवान जी अब देख। हाँ चलो आप, आज हम देखने वाले हैं एलियन को। वाओ, आज कहाँ दिखेगा एलियन? चर्च में। ओहो वाओ। तो फाइनली हम लोगों का घर, हमारा सपनों का महल बुक हो गया है। मतलब जितना ये था ना, कहते हैं ना कि एक घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बीवी होनी चाहिए, मतलब ये सब नहीं, एक नहीं चार पांच होनी चाहिए। एक अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो मतलब एक घर बहुत मुश्किल। एक के लिए एक घर नहीं, अरमान मलिक दो बीवियों के साथ में रखता है एक ही घर, और दोनों प्रेग्नेंट है। सोचो कैसा खर्चा चलाएगा वो। तुमको वो प्रेग्नेंट बात बोलनी जरूरी है क्या? नहीं है तो। तो फाइनली बहुत सी, हम लोगों ने इस घर को देखने के लिए, आई थिंक पहले हमने 2021 में हम लोगों ने घर इतने सारे देखे, बट पता नहीं क्या होता था कि फाइनल नहीं हो पाता था। 21 में स्टार्ट किया था। हम बहुत सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं होता, होता वही जो ऊपर वाला चाहता है। तो मैं भी ऐसा था, मैं तो कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा। पतिदेव का कुछ ऐसा दिमाग में आया, पतिदेव की हमारे पंडित जी से बात हुई, पंडित उनके चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। मतलब वो ऐसा है ना कि वो जो भी बोलते हैं हमारे लिए लकी साबित होता है, जैसा भी है। तो बस उनसे बात हुई, ज्योतिषी है वो, उनका हम नंबर, तो मतलब उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको देंगे। तो आप भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर आप किसी चीज से परेशान हो, कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, तो आप कर सकते हो, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो लगा हमारे पंडित जी प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होता है, वो जितना भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। और आपको दूसरे पंडित जी ऐसा होते हैं ना, आप ये पूजा कराओ, वो पाठ कराओ, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी वो नहीं आपको बोलते हैं, आप खुद ही करो। तो मतलब अचानक से उन्होंने बोला कि, और पता है आपको, बताया है शायद वीडियो में 2-3 बार। तो हम लोग जो यूनिट देख रहे थे 2 BHK का पहले सोच रहे थे, क्योंकि बजट इतना ज्यादा नहीं था, 2 का चालू किया, फिर 3 का, मतलब 3 का ही देख रहे थे। बट पतिदेव का ऐसा था, मैं तो बोल रही थी 2 ले रहे थे, बट इनका ऐसा था कि जैसे फैमिली वाले भी आ गए, मम्मी पापा लोग आ गए, तो आयांश भी बड़ा हो रहा, तो एक रूम उसका सेपरेट हो जाए, एक अपना हो जाए, और एक जैसे गेस्ट कोई भी आता है घर पे, मम्मी पापा लोग आते हैं, फिर बाहर का भी कोई भी आता है, तो उसके लिए रहेगा तो अच्छा रहता। तो वो सब सोचते सोचते पता नहीं ऊपर वाले ने, माता रानी ने, भगवान जी सोचे, नवरात्रि भी चल रहा है, सप्तमी का दिन है आज ना, मंगलवार का दिन, मंगलवार हनुमान जी बजरंग बली का दिन है। पता नहीं कहाँ से पतिदेव के दिमाग में आया, पंडित जी से पतिदेव ने बात की और घर के लिए और जैसा हम लोगों को चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग विद बालकनी, 3 BHK, मतलब और बहुत बहुत क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, और जस्ट स्विमिंग पूल के सामने वाला हम लोगों ने फ्लोर बुक किया। मतलब हाँ, आपको क्या बता रही थी, क्या हुआ हमारे साथ सडन, हम लोग जब गए तो जिसको बोलते किस्मत, तो क्या हुआ, पहले तो कोई अवेलेबल यूनिट नहीं थी, वो था पोजीशन, और हाँ इसका पोजीशन 2025 में, थोड़ा टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, बट अभी हमारा ऑफिस वैसे भी ऑलरेडी उधर है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, अभी तो रेंट पे ही रहना है। तो क्या हुआ, जैसे हम गए तो उन्होंने बोला कि 26 वाला पोजीशन, अभी वाले सारे 3 BHK की यूनिट्स फुल हो चुके हैं, 2 BHK अवेलेबल है, बट पता नहीं कहां से उसी टाइम पे किसी कस्टमर ने कैंसिल किया था, है ना, उनका कुछ भी बजट नहीं हो पाया, जो भी नहीं था। तो वो कैंसिल किया, फिर उन्होंने हमसे पूछा, जनवरी में बुक किया था, कैंसिल कर दिया उसने, तो वो हमें मिल गया, लोन क्वालिफाई नहीं हुआ, नहीं उनका, हाँ लोन क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ होगा बजट क्वालिफाई, जो भी हो जाता है, तो वो नहीं हुआ, तो हमें मिल गया वो घर।
और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग विद स्विमिंग पूल, हमारे अकॉर्डिंग बालकनी, हमारे हिसाब से सोचो 3 BHK घर और स्पेशियस, बहुत स्पेशियस घर तो स्पेशियस है, सोसाइटी बहुत अच्छी है और काफी स्पेशियस, जैसे बिल्डिंग होती है ना आसपास में 2 बिल्डिंग, किसी ने कमेंट किया था बताने के लिए, तो हम एक बार पहले इसको परचेज कर लें, इसके बाद आपको बताएंगे। तो 2 बिल्डिंग के बीच में अच्छा खासा स्पेस, बीच में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम वगैरह सारा कुछ दिया, अच्छी खासी मतलब सनलाइट भी आएगी घर में, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो बस आप लोग खूब सारी दुआ करिएगा जैसे हमारा घर जल्दी जल्दी से बन जाए, फिर हम लोग जाके उस पे रहे। थैंक यू पतिदेव की वजह से हुआ सब कुछ। ये देखिए ये इनकी एनिवर्सरी का तोहफा, वाह वाह, मतलब एनिवर्सरी हम कहीं ना ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो तो छोटी मोटी चीजें, घर तो इंसान सपनों को एक ही बार बनाता है ना, ये बात तो सही, एक ही बार लेते हैं, मतलब पूरी लाइफ की कमाई जो होती है ना तो उसमें लग जाती है इंसान की, ऐसे ही ना, राइट। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो है ना, माँ बाप का आशीर्वाद है और सबकी दुआएं, सब हमारी फैमिली, जितनी भी हमारी फैमिली मेंबर, सबकी पेरेंट्स तो है ही, तो हमेशा कभी हम लड़ भी लेंगे तब भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा ही हो, हम एक बार गुस्सा भी हो जाते हैं उनके ऊपर ना कि ऐसा नहीं, मैं तो हमेशा लड़ती हूँ मम्मी से अपने तभी तो वो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। तो डेमो वीडियो आपको दिखाएंगे, हाँ, है ना, उसको ड्रॉप करके जल्दी जल्दी दिखाएंगे, लेकिन आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसा है। तो अभी आप लोग बोलते हैं so much, हम लोग जनरली इतना प्यार करते हो ना, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। जैसे आप लोग बोलते थे ना कि जैसे हम घर शिफ्ट करते, बोले भैया आपने नया घर लिया, भाभी आपने नया घर लिया, तो हाँ आप लिटरली मतलब कह सकते हैं कि हाँ लिया, हमने लिया है। अब अपना थोड़ा सा कुछ वो पेपर वाला पेपर वर्क वगैरह है, वो रामनवमी के दिन हम कंप्लीट कर देते हैं। अभी तो सिर्फ हमने एडवांस चेक दिया, एडवांस चेक दिया, मतलब पेपर वगैरह है वो, तो वो सारा रामनवमी के दिन करेंगे। हाँ, भगवान श्री राम के दिन अच्छा है सब कुछ, नवरात्रि में वो सब कुछ, तो वो कर देंगे। इसके बाद बस घर का वेट रहेगा। चलो बाय, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, प्यार बना के रखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वाओ, बाय।